हेलो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे। आई होप आप सब ठीक हो गए। आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरे साथ आरू भी उठ जाती है। हाय गाइस, आरू बोल रही है। और फिर मैंने आरू को ब्रेकफास्ट करवाया और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस अस न्यू टॉपिक स्टार्ट किया। आरू को टॉयस दे दिए थे मैंने खेलने के लिए, ताकि मुझे अच्छे से पढ़ाई करने दे। ये थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छी तरीके से टॉयस के लिए आरू ने। ये अल्फ़ाबेट वाले टॉयस आरू को गिफ्ट में मिले हैं बर्थडे पर, और इन्हें आरू बहुत अच्छे से खेलती है, हाथ में जमाती है और फिर हाथ में बहुत सारे रखाते नहीं है तो चिढ़ जाती है। फिर आरू को कॉपी पेन दिखे तो उसे पढ़ना लिखना सूझ गया, बस ऐसे ही पेन चलाते रहती है किधर भी। मेरा बस 14-15 ही इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना हुआ इस वजह से। फिर मैंने आरू को मोगली लगा के दिया ताकि मुझे पढ़ने दे, पर उसका मोगली में भी ध्यान नहीं लगा, वो बस कॉपी पेन ही चला रही थी। फिर मैं आरू को सामने धूप में लेके बैठी हूँ। ठंडे में धूप दिखाना बच्चों को बहुत अच्छा होता है। सुबह की धूप 9 बजे तक की बहुत अच्छी होती है बच्चों को दिखाना। आरू को बहुत अच्छा लग रहा था सामने, और यहाँ पे सामने से गाय भैंस जाती है तो वो दिखते रहती है, गाड़ियाँ जाती है, कोई भी जाता है तो उनसे बोलती है, स्माइल करती है। अभी आरू को चलने का बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है, कंटिन्यू चलते रहती है। बैठने का बोलो तो बैठती भी नहीं है, बस चलती रहती है, और ऐसे थोड़ी देर चलती है और गिरती है। आज मेरे छोटे चाचा के बेटे का बर्थडे है तो आज हमें वहाँ पर भी जाना है, तो हम चल पड़े आठनेर। ये हमारे गांव का रोड है, ये अंदर हमारा गांव काफ़ी अंदर है, 1-1.5 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से। तो हमारे गांव का रोड ऐसे मतलब थोड़ा ख़राब हो चुका है, अभी नया बनने वाला है, बनना स्टार्ट हो गया था लेकिन आचार संहिता लग गई इसलिए बंद हो गया था काम, और अभी भी बंद ही है काम, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। और ये वाला मेन रोड है, ये बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अंदर वाले रोड में बहुत दिक्कत होती है चलाने में। ऊपर से गाय बैल भी रोड पे ही रहते हैं, वो नीचे ही नहीं आते हैं, तो छोटी गाड़ियों में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं पहुंच गई हूँ आठनेर। ये मेरे कज़न से आरू हाय ऐसे बोल रही है, और ये मेरी चाची है, और ये मेरी सिस्टर है, ये भी मेरी सिस्टर है। आरू फूल की सेंट ले रही है, और फिर हम लग गए सब काम से। चाची की हेल्प कर रहे थे हम लोग खाना बनाने में, और आरू भी हेल्प कर रही है खाना बनाने में। सब लोग साथ में इकट्ठा होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये मौसी है मतलब चाची की बहन, और ये है बड्डे बॉय अक्ष। सब लोग काम से लगे हुए थे और मज़े भी कर रहे थे, गपशप चालू थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम डेकोरेशन के काम में लग गए। बुआ जी फूपा जी भी आए हुए हैं और बलून्स फुला रहे थे हम लोग। दो लोग बलून्स फुलाने का काम कर रहे थे और दो लोग लगाने का काम कर रहे थे, और बातें भी चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। जब सारे कजिन साथ में हो तो बात ही कुछ और होती है। आरू बच्चे को भी बलून्स खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमारा डेकोरेशन कुछ ऐसे चल रहा है। ये मेरे बड़े पापा की बड़ी बेटी है, ये ससुराल से आई थी और इनने सबके लिए इडली लेके आई है, तो सब बहुत खुश हुए, बहुत मस्ती की, बहुत यम्मी इडली बनाई थी दीदी ने, और ऐसे हमारी मस्ती चल रही है। डेकोरेशन में हमें बहुत टाइम हो गया है तो हमने जल्दी से फिर सबने खाना खाया, क्योंकि इसके बाद बर्थडे मनाना है, और बर्थडे मनाने के बाद पुहारे भी है शिव जी के। Happy birthday to you. Happy birthday.
बाय।